सुंदर भैया और वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हो तो सुनो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाव मंगाते हैं, राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या, ऐसी वैसी बातें भी क्या जो हमें बुलाते हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ हो, क्यों मुझे मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। लागत है या नाम सुनो सुनो सा लागत है, राम है का करूं, नाम ले जाऊं कि ना ले जाऊं। और आप हैं श्री रामाश्रय बारुका आवत हो, आपे आए बुलाए रहा, हमने ही बुलाया है कभी, कहां के रहने वाले हो? केवट भैया हम अयोध्या के रहने वाले हैं। के खेलर कुआ हूँ, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के लड़कुआ हूँ, बिल्कुल वही हैं हम। कहे खातिर आए बुलाए रहा, बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। गंगा के वापार जाए खाए। हाँ ठाकुर जी, यह मां बहुत बड़ी समस्या है, हम आपके गंगा के व्यापार नहीं कर सकत। क्यों? या से नहीं कर सकत कि हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो है। क्या सुना है? ऐसो सुनो है महाराज, ऐसो सुनो है, ऐसो सुनो है कि कोने ना सुनो हो। अरे ऐसा क्या सुन लिया तुमने? ऐसा ये सुन लिया मैंने कि आपके चरणों में वो जादू है कि आप अगर पत्थरा में अपने चरण छुआ दे तो वह पत्थर फट देंगा, लुगाई बन जाते है महाराज। ऐसा तुमने सुना है? हाँ महाराज। देखा तो है नहीं? नहीं देखो तो नया है, लेकिन जिन्हें बताओ है तो वाकी बातन पे को वाकी बातन का नजर अंदाज भी नहीं कर सकत काय ब्यास जी, क्योंकि संत ऋषि मुनियों की बताई बात है। संत ऋषियों ने तुम्हें बताया है? और संत ऋषि महाराज कब हम झूठ बोलत न आए, ये तो हम भी छुआ तेसला भाई नारी सुहाई, महाराज ये पहन दे ना काठो कठिनाई पहनते, महाराज जब आप पथरा के लुगाई बना सकत हो, पथरा तो बहुत कठोर होते, और मोरी नौका तो महाराज कठुआ किया है, और आपने अगर पांव रखो नौका में चढ़े तो पथरा के तो दिल लगी हुई लुगाई बने बाबा, तो फर्र दंगा लुगाई बन जाए महाराज। ओ महाराज कहूं लुगाई बन गई और कोनो संत ऋषि के साथ अगर भग गई, तरे नी मुनि धरनी हुई जाई, बातों परे हाँ बातों परे मु
मोरी नाम उड़ाली बात परे। महाराज कहूं कोनो ऋषि महात्मा मुई लुगाई के लेके भग गऊ तब तो नाव की नाव चली जाए, लुगाई की लुगाई चली गई, केवट की बदनामी और हो की केवट की लुगाई भग गई। ए? तो महाराज कोनो अपने बगल में बैठा, अबे तो वैसे ही नहीं बैठा रहा था, कोनो गांव में ना रहन दे, बड़ी बदनामी हुई महाराज। और यही नौका से मैं अपने परिवार का पेट चलाता हूँ महाराज, भरण पोषण करता हूँ। ये देखो ये मेरा परिवार, ये सब लड़के बच्चे मेरे बैठे हैं, देखो है? यही प्रेत पाल हूँ मैं, ये सब परिवार या टोपी लगाया मोर सबसे हल्को लड़को है महाराज, यही प्रेत पाल हूँ मैं, ये सब परिवार और नहीं जाना हूँ कछुआर कबारू, नहीं जाना हूँ। और महाराज दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ एक एक ही यही धंधा मुख है आउट है, बिना पढ़ो लिखो आऊ, पढ़ो लिखो तो तक हूँ नौकरी कर ले तो महाराज है, अब यही नाव चला के पेट पाला तो मैंने जानो है, हा मैंने जानो है, मरा में तुम्हारो चढ़ाऊ नहीं नौका में, तो मैंने जानो है, तो मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में, पथरा से तो कोमल होवे प्रभु की काट की नैया, पथरा से तो कोमल मोरी प्रभु की काट की नैया, चरण लगे प्रभु बना न दैयो विषयन केर लोगैया, चरण लगे प्रभु बना न दैयो विषयन केर लोगैया, भूकन मारे गई है भूकन मारे गई है, लड़का हमारे चढ़ाऊ नहीं नौका में, मेरे दानो है मरा में तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में, यही खातिर महाराज हम आपका गंगा के व्यापार नहीं कर सका। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री लक्ष्मी राजपूत जी, 51 मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के लिए प्रदान हो रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। केवट भैया बोलो, रघुरैया मैंने तुमसे तुम्हारी नाव लाने के लिए कहा और तुम मेरा मरम बता रहे हो, कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है, कह रहे हो कि हमें ऋषि मुनियों ने बताया है। महाराज बनी कि नहीं बनी? बनी तो है। हाँ जब बनी है तो काय के लाने आ गोल मटोल कर रहे। केवल जब तुम्हें ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, तो तुम्हें ये भी बताया होगा कि कैसे बन गई, कैसे आपने चरण रखो कि फुर्र दंगा बन गई। जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, क्या वो पहले से ही पत्थर न रहा है? ना, पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और यही ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया, और यही ऋषियों ने हमें आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा है नहीं कुछ केवल, ये तो सब गुरुओं की कृपा है। काय महाराज शायद मोरू नौका के कोनू श्राप होए, शायद ये पहले कोनू नारी होए, लेकिन यहाँ हमें तो किसी का आदेश है नहीं। महाराज जब आदेश मिलो तब तो यो काम करो,
अब तो आधे से अंगाऊ पछाऊ को नहीं है महाराज, अब तो छुट्टा घूम रहे हो ठाकुर जी, अब तो जाने का करियो। अरे अगर इसे श्राप होगा तो इसका भी आज उद्धार हो जाएगा महाराज, या का उद्धार हो जाए लेकिन फिर मोरो का हुई अपने मोरो परिवार तो मर जाए भूकन। केवल अपने बारे में सोच रहे हो बस? नहीं नहीं महाराज, हमको हो सकत अपने बारे में सोचत, आप बड़े आदमी हो, आप बड़े हो हैं, तुम्हारे लगे हम तुम्हारे लगे तक नहीं जा सकत, या से तुम्हार ऊंची जात है हमार तो नीची जात है महाराज, हम नीच जात के बटान महाराज, आप ठाकुर जी हो हैं। ये तुम सोच रहे हो, हम ऐसा नहीं मानते, हमारे लिए तो सब समान है केवल हमारे लिए। सुन लो हाथ जोड़ के महाराज, तुम्हारे दूरई से पांव पर के तुमसे विनती करत महाराज। ओ रघुरैया मर विनती सुन लो, मान लो मेरी बात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात। ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात महाराज, ये जातियां जो बनाई हैं, अगर हमारी जात अगर नीच है, अगर हम अपने आप कहते हैं कोई ऊंचा कुल का नहीं होता, ना ऊंची जात होती ना नीची जात होती है, कैसे नहीं होते महाराज है? अगर हम छोटी जात वाले तुम्हारे बगल में बैठन लगन महाराज, सोच लेन ये समाज के जो नियम बनाए गए हैं महाराज, जो जातियां बनाई गई हैं, वो सिर्फ मर्यादा ही के लाने बनाई गई महाराज। अगर नीच का ये सब कोई मानता रहे लेकिन मैं नहीं मानता। कैसे महाराज? मेरे लिए तो सब समान है केवल। अच्छा जात जात के पाहुनी है? बिल्कुल, मतलब जात जात के पाहुने, जात जात में जात। ओ आपकी जात अजात है सो सबई जाते मिल जाते। वाह ठाकुर जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि बिना पैनी के लोटा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मैं नहीं कह सकता। नैया ले आना भैया, मेरे पास संशय न करो केवल, अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा को उस पार कर दो, तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा। नैया ले आना भैया मेरे पास मां, कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां, भैया
तेरे घाट माँ कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ भैया। ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि नैया ले आना केवट हमारे पास माँ कब से खड़े हैं तोरे घाट माँ। नैया ऐसे थोड़ी आ है मारा नैया न लाऊं भगवे तुमरे पास माँ चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ प्रभु जी मोरे घाट माँ चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ प्रभु जी मोरे घाट माँ नैया ले आना भैया मेरे पास माँ कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ प्रभु जी मोरे घाट माँ वनवास दिया है भैया लखन मोरे साथ में सिया है। आपने अपनी आपत्ति तो बता दई और आप है भाई उपेंद्र राजपूत घनसु भैया और रामासरे बाबा आप सभी लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और केवट जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। देखो महाराज यही बात सिद्ध हो गई कि तुम्हारी ऊंची जात है हमारी नीची जात। अब सोचने लगे तुम अपने बारे में। आप कह रहे हैं आपने अपनी बता दी कि भैया लक्ष्मण साथ में जिया सिया है। केवट को नहीं सोचो कि अगर मैं तुम्हें नाव में बिठा ले हूं महाराज तो हो है कहा है योनि सोचो महाराज। लड़का बच्चा मेरे भूखो मरेंगे चरण प्रभु तेरे साथ में सिया है भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन विधना ने लिखा बन मेरे भाग माँ भैया मेरे भाग माँ चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ प्रभु जी मोरे घाट माँ चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ प्रभु जी मोरे घाट माँ। बार बार चरण धुलने के लिए क्यों कह रहे हो केवल महाराज जे कछु है तो उतई तो आए तुम हाथ धर दो को मतलब नैया महाराज लेके चरण धुला ले। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है और तुम संशय कर रहे हो कि पत्थर से ज्यादा कोमल मेरी नाव है काठ की। बिल्कुल कोमल है पत्थर से ज्यादा कोमल है काठ। जब तुम संशय कर रहे हो कि मेरी काठ की नाव ना नारी बन जाए बिल्कुल तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। कैसे पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। यार बात गहराई की है। फंसा दो राम जी ने तो ठाकुर जी ने फंसा दो अच्छो फंसाओ। क्या कह रहे कि मतलब पथरा से कोमल कठुआ और कठुआ से कोमल है हम और अगर हम आपके चरण धुलन लगन तो कहूं हम ही नारी बन जान। अरे महाराज ठाकुर जू यही तो बड़े आदमी है हल्के आदमी के चाचा से पढ़ा दे है? लेकिन महाराज सुन ले जब हल्को आदमी अड़ जाते है ना तो फिर अड़ ही जात है। तुम क्या सोचा दो कि केवट बिना पढ़ो लिखो चाचा सो टहला दो ना। हाँ मुझे संशय होता कि मैं नारी ना बन जाऊं लेकिन मुझे संशय क्यों नहीं होगा। क्यों ये हूं
यू महाराज कहे से आपने जड़ को चेतन किया है, आपने पत्थर है जो वो है जड़, काठ है वो है जड़, और मैं हूं चेतन। संशय तब होता आपका महाराज ब्याह भाव कि नहीं भाव? बिल्कुल। कहां भाव? मिथिला में। मिथिला में, मिथिला में भाव तुम्हारे पांव पखारे गए नहीं पखारे गए? बिल्कुल। सारे आए हुए पखारन? सब कोई आया था। सारी आई सराज आई हुए? हाँ। बिनारी सारू तुम्हारो नारी बनू का ना? जब वो नारी नहीं बनू तो मैं कहां से बन जाऊ? ये तो तुम ठीक कह रहे हो केवल। अगर आपका साला अगर नारी बन जाता तब तो मुझे संशय होता कि चरणों को धुलने में कहीं मैं ना नारी बन जाऊं। महाराज 16 दुनिया 8 राजनीति को पाठ जो क्या पढ़ाऊ महाराज? तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन केवल जब मेरे चरणों की रस से एक जड़ जीव बन सकता है तो जीव तो और भी जल्दी नारी बन जाएगा। क्यों? जड़ और जीव में तो अंतर होता है। महाराज आपने ऐसा चमत्कार कभी करो नहीं है ना, संशय नहीं है भाई। आदमी तो जब दिख लेते तब ईमाना थे, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता है? नहीं महाराज, करें के लाने तो तुम जाने क्या कर सकते हो। आप जो पैर पखारने की बात कर रहे हो वहां